नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड की एक शानदार रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम के बारे में। जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है, यानी फरवरी 2021 से लेकर अब तक, इस स्कीम ने 23.44% का रिटर्न दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं SBI म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के बारे में, उसके बाद हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप हर महीने 2,000 रुपये बचाकर 17 करोड़ तक का फंड तैयार कर सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड की इस स्कीम का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड अग्रेसिव हाइब्रिड प्लान डायरेक्ट प्लान। यह एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। दोस्तों, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनके लिए अपनी टोटल रकम का 65 से 80% इक्विटी में निवेश करना जरूरी होता है और बाकी का 20 से 35% डेट में निवेश करना होता है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप किसी भी FD और RD से 3 गुना से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि शेयर बाजार से जुड़े रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं, इसलिए इस स्कीम में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 23.44% का है। इस स्कीम का 2 साल का रिटर्न 16.38% का है। अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में इस स्कीम ने 29.79% रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीनों की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.22% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए 500 रुपये और लंपसम 5,000 रुपये कर सकते हैं, यानी आप इस स्कीम में 500 रुपये के छोटे से अमाउंट से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का NAV अभी 18.49 रुपये चल रहा है। इस स्कीम का फंड साइज 2,065 करोड़ रुपये का है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.09% का। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है 5 साल या रिटायरमेंट की उम्र तक जो भी पहले हो। ये तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। इस स्कीम में आप 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आप SIP के जरिए यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, और दूसरा आप लंपसम यानी FD की तरह एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 2,000 रुपये महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न माना है 21% का, जो कि इस स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न से 2% कम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 21% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए मानकर चल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये 21% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 5,76,231 रुपये का। 2,40,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 8,16,231 रुपये की होगी। अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 68,81,735 रुपये का। 4,80,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 73,61,735 रुपये की होगी। अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 5.91 करोड़ रुपये का। 7,20,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 5.99 करोड़ रुपये की होगी। अगर आप इस SIP को 35 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 16.89 करोड़ रुपये का। 8,40,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 16.97 करोड़ रुपये की होगी। इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 2,000 रुपये महीना से SIP शुरू करके 35 साल में 8,40,000 रुपये जमा करके 17 करोड़ रुपये तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह इस फंड में निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर ले। तो आपको ये प्लान कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप कौन से म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तीन तरीके होते हैं। पहला, फंड कंपनी की वेबसाइट, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।